नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल टेक्निकल सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले एक हेडफोन का जो मैंने अभी अमेजोन से ऑर्डर किया है। तो दोस्तों ये है बोट का 900। तो दोस्तों ये एक बेस हेडफोन है, यानी इसमें आपको बेस बहुत ही अच्छा मिल रहा है। ये मैंने बहुत सारे रिव्यू इसके पढ़े, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करके देखते हैं इसमें हमें किस तरह की क्वालिटी मिल रही है और साउंड क्वालिटी इसकी किस तरह की हमें मिल रही है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा इस हेडफोन के बारे में। तो दोस्तों इसका बॉक्स जो हमें मिल रहा है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है। दोस्तों मुझे लगा नहीं था कि इतने छोटा बॉक्स में ये हेडफोन हमें मिलने वाला है। तो दोस्तों ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा इधर सुपर एक्स्ट्रा बास यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है और बेस हेड के लिए है। तो फीदर लाइट, मतलब इसका वेट भी बहुत कम है दोस्तों। तो देखते इसमें हमें पीछे क्या क्या लिखा हुआ मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सुपर एक्स्ट्रा बेस, वन बटन माइक्रोफोन, फीदर लाइट, 150 ग्राम इसका वेट है, हैंड्स फ्री, यहाँ पे आप फ़ोन पे भी बात कर सकते हो इसके ऊपर, और ये फोल्डेबल भी है, यानी ये बहुत ही कंफर्टेबल है। अब अगर आप इसे ट्रैवल करते हो, अगर ले जाना चाहते हो, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल साबित हो सकता है। तो दोस्तों चलिए इसे हम बाहर निकाल के देखते हैं कि ये कैसा हमें मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मिल रहा है, उसके बाद में ये हमें हेडफोन इस तरह से यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इस हेडफोन को। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी ये अगर कीमत के हिसाब से देखें तो बहुत ही अच्छी है। ये मैंने 799 रुपये में ख़रीदा है। तो इसका कुशनिंग भी काफ़ी सॉफ्ट है, ताकि आपके कानों को काफ़ी कंफर्टेबल महसूस हो सकता है। और इसका जो हेडबैंड भी है वो भी काफ़ी अच्छा है, इसकी कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है। और ये देखिए ये बहुत ही पोर्टेबल है, आप इसे कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं ले जाके। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको बोट का ब्रांडिंग भी मिल रहा है और ये कुशनिंग भी बहुत अच्छा है और इसकी वायर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि इसका जो 3.5 mm का जो ऑडियो जैक है वो बहुत ही अच्छा है। इस पर आपको स्प्रिंग मिल रहा है ताकि ये ख़राब ना हो जाए इस जॉइंट से, और ये मेटल का मिल रहा है ताकि ये ख़राब ना हो जाए, लेकिन दोस्तों ये गोल्ड प्लेटेड नहीं है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों मैंने इसे 2 घंटे तक अभी लगातार इसे यूज़ किया है, तो मैं आपको क्लियरली इसमें मुझे क्या क्या खास लगा है और कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई है उसके बारे में मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको बहुत ही एवरेज साउंड मिल रहा है। दोस्तों ये कोई प्रीमियम हेडफोन तो नहीं है और इसमें आपको क्रिस्टल क्लियर साउंड तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, इसमें आपको सिर्फ बेस अच्छा मिल रहा है। और अगर दोस्तों आपका मोबाइल अगर अच्छा ऑडियो क्वालिटी देता है, अगर आपके पास डॉल्बी एटमॉस है या अगर आपके पास कोई अच्छा MP3 वाला ऐप है, तो आपको इसमें अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको इक्विलाइज़र को थोड़ा अपने हिसाब से सेट करना होगा। तो उस तरह से अगर आप सेटिंग करते हो तो आपको एक अच्छी क्वालिटी मिल सकती है। इसमें सिर्फ आपको बेस अच्छा मिल रहा है और जो वोकल्स है और जो हाइज है वो आपको एवरेज यहाँ पे मिल रही है। तो दोस्तों आपको अगर इसे ख़रीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रहा हूँ, उस पर जाके आप इसे ख़रीद सकते हैं। और अगर आप इक्विलाइज़र अच्छी तरह से ट्विक करते हो तो आपको इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। दोस्तों इसके प्राइस रेंज के हिसाब से अगर आप देखें तो उस प्राइस रेंज में आपको ये सबसे अच्छा हेडफोन यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों आपको हमारा आज के वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।